सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि उम्मीद इंसान उसी से रखता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। हमारी जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि इसे दूसरों से नफरत करने में गवा दिया जाए। आज का पंचांग 20 जुलाई 2024 दिन शनिवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 6:59 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र रात्रि 1:48 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 9:14 से 10:54 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:06 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। मेष राशि 20 जुलाई 2024 दिन शनिवार। अगर किसी के साथ इन दिनों आपके संबंध सही नहीं है तो आज उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं। उनकी भी बात ध्यान पूर्वक सुने सामने वाले को, ना तो इतनी छूट दे कि आपको रौंद कर आगे बढ़ जाए, न ही बहुत रूखा व्यवहार करना ठीक होगा। ऑफिस में आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात संभव है, सतर्क और सक्रिय रहें। आसपास के लोगों का सहयोग आपको सुखद अनुभूति देगा। आपके पिता की कोई सलाह आज कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ करा सकती है। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपनी अच्छे दोस्तों को बुलाइए, ऐसे लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। एक बार अपने पार्टनर को आप बता दें अपने दिल की बात तो जिंदगी में किसी और की जरूरत आपको नहीं होगी। इस बात को आज आप गहराई से महसूस करेंगे। आज आपने जो नई जानकारियां हासिल की है वह आपको अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएगी। आप खुद को समय देना जानते हैं और आज तो आपको काफी खाली समय मिलने की संभावना है। खाली समय में आज आप कोई खेल खेल सकते हैं या जिम जा सकते हैं। आपका अपने जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण संबंध रह सकता है, जहां तक संभव हो बात को बढ़ने न दें। आपके विचार अस्थिर हो सकते हैं जिससे आपकी मानसिक स्थिति में बार बार असंतुलन हो सकता है। इसे सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों की विभिन्न धारणाओं का पता लगाने के अवसर के रूप में अपनाएं। ससुराल वालों के साथ मुद्दे सामने आ सकते हैं, लेकिन उन्हें धैर्य और सहानुभूति से संबोधित करने से सौहार्द बढ़ेगा। निजी स्थान पर काम करने से आपकी उत्पादकता बढ़ेगी और आपको आवश्यक एकांत मिलेगा। अगर आपको गुस्सा आता है तो केंद्रित रहने के लिए ग्राउंडिंग तकनीकों का अभ्यास करें। कुल मिलाकर अपनी लचीलेपन पर भरोसा रखें और आज को आंतरिक विकास और समझ की यात्रा बनाएं। इस समय किस्मत और परिस्थितियां आपके लिए बेहतरीन समय का निर्माण कर रही हैं। सामाजिक तथा व्यावसायिक दोनों जगह का दबदबा तथा वर्चस्व बना रहेगा। कोई विशेष कारण बन जाने से आपका मनोबल भी बढ़ेगा। भूतकाल से जुड़ी बातों की वजह से मानसिक तकलीफ होगी। नए लोगों से बढ़ रहा परिचय मानसिक तौर से सेहतमंद बनाएगा। जो बातें बदलाव दिखा रही है उनको स्वीकार करें। परिस्थिति की हर एक बात गहराई से समझें। जो भी घटनाएं हो रही हैं उन पर ध्यान दें। उनके पीछे का कारण वक्त के अनुसार आपको समझ आएगा। काम की वजह से बढ़ती व्यस्तता काम संबंधित विचार बदलने के लिए उपयुक्त साबित होगी। रिलेशनशिप से जुड़ी जो भी पुराने विचार थी उन्हें त्यागना होगा। पैर में थोड़ी परेशानी आज आपकी हो सकती है। सावधानियां। सकारात्मक सोच रखें तथा अपने व्यवहार में और अधिक परिपक्वता लाएं। कभी कभी आपकी शक करने की प्रवृत्ति आपके लिए ही परेशानी का कारण बन जाती है। पुरानी जायदाद संबंधी समस्याएं फिर से उठेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, परंतु किसी मित्र की वजह से घर में कुछ नकारात्मक वातावरण बन सकता है, इस बात का ध्यान रखें।
आपका पार्टनर साथ देने वाला और काफी मददगार है, इसीलिए अपनी चिंताओं को खुद तक ही रखकर परेशान होने की बजाय अपने प्रियजनों के साथ बांटें। इससे आपको काफी मदद मिलेगी और काफी हद तक आपका तनाव दूर हो जाएगा। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच की बात है तो कॉफी पीते हुए बात कर सकती हैं। आपका पार्टनर इस बात को सार्वजनिक नहीं करेगा और आप खुलकर अपनी बात रख सकती हैं। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने साथी के साथ आपसी प्यार और समझ से भरे गहरे संबंध की उम्मीद करें। खूबसूरत पलों का आनंद लें और रोमांस को पनपने दें। एकल लोगों के लिए प्यार हवा में है और आप खुद को किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ते हुए पा सकते हैं। नए शुरुआत के अवसरों को स्वीकार करें। शारीरिक और यौन अंतरंगता अधिक रहेगी जिससे आपकी बातचीत में अतिरिक्त चमक आएगी। अपने आसपास की सकारात्मक ऊर्जा पर भरोसा रखें और अपने दिल को इसका नेतृत्व करने दें। आज आपको प्रेम और आनंद का अनुभव भी होगा। पति पत्नी के संबंधों में अच्छा खासा सामंजस्य रहेगा, परंतु किसी मित्र की वजह से घर में कुछ नकारात्मक वातावरण भी बन सकता है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। आपका करियर आशावाद और उत्साह की वृद्धि के लिए तैयार है। नए अवसरों की तलाश करने और अपने क्षितिज को व्यक्त करने के लिए ये उत्कृष्ट क्षण है। आप उन परियोजनाओं की ओर आकर्षण महसूस कर सकते हैं जो रचनात्मक और नवीनता की मांग करती है। अपने साहस पर भरोसा रखें और आपसी कदम उठाएं। आपका आत्मविश्वास दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। सहकर्मियों के साथ काम करना सहज रहेगा और आपका मजबूत संचार कौशल आपको ठोस पेशवा संबंध बनाने में मदद करेगा। इस विकास चरण को अपनाएं और नए सीखने के अनुभवों के लिए खुले रहें। आपकी लगन और मेहनत से लाभकारी परिणाम मिलेंगे। आगे बढ़ते रहें। आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और अपने सपनों का पीछा करने के साथ आप सुनियोजित तरीके से अपनी चीजों को रखते हैं। दूसरे इस तरह नहीं हैं, लेकिन दूसरों को ये ना बताएं और समय पर सब छोड़ दें। इस भावना को त्याग दें, अन्यथा लोगों को ये गलतफहमी होगी कि आप उनके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर भी आएगा। करियर के मामलों में आपके आर्थिक कार्यों के प्रति आस्था बढ़ने से परिवार के सदस्य प्रसन्न भी रहेंगे। इस नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। विद्यार्थी उच्च शिक्षा पर पूरा ध्यान देंगे और आप अपने विषयों में कोई बदलाव ना करें तो अच्छा रहेगा। आयात निर्यात संबंधित व्यवसाय में किसी प्रकार का नुकसान होने की आशंका है। इस समय उचित सावधानी बरतना आवश्यक है। किसी भी तरह का रिस्क ना लें। अपने किसी भी कार्य में घर के अनुभवी लोगों की सलाह को सर्वोपरि रखें। बात करती है सेहत की। अपने दैनिक रूटीन में स्वास्थ्यकर आदतें शामिल करने का समय आ गया है। संकल्प ले के आप एक महीने में सारी स्वास्थ्यकर आदतें अपना लेंगे। अगर इसमें सफल हो जाए तो इसे करते रहें जब तक कर पाए, लेकिन शुरुआत में इसे लेकर खुद पर अधिक बोझ न डालें। एक सुझाव यह भी है कि अधिक पानी पीने की कोशिश करें। हर रोज कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिए। आज का उपाय। आज आप शनि देव जी के समक्ष सरसों के तेल से दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।